जिला झांसी की आदर्श नगर पंचायत गरौठा में स्वच्छ भारत मिशन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार की मंशा अनुसार अभी कुछ दिन पहले ही जिलाधिकारी झांसी द्वारा समस्त नगर पंचायत नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी सहित संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि संचारी रोगों की रोकथाम के लिए साफ सफाई अत्यंत आवश्यक है, इसलिए ग्राम नगर एवं शहर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। कहीं भी किसी प्रकार का कूड़ा करकट जमा नहीं होना चाहिए, परंतु आदर्श नगर पंचायत गरौठा में सार्वजनिक स्थल एवं ज्यादातर सरकारी कार्यालयों एवं स्कूलों के आसपास कूड़ा करकट के बड़े बड़े ढेर नजर आ रहे हैं। दीपावली के त्योहार के अवसर पर जहां लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, वहीं नगर पंचायत गरौठा के जिम्मेदार अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि अपने कर्तव्य से विमुख होकर कहीं भी साफ सफाई करवाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम प्रकार की बीमारियां फैलने की आशंका है और जिनके कंधों पर सरकारी कार्यों की जिम्मेदारी है। अगर वही बीमारियों की शिकार हो जाएंगी तो आम जनता कहां सुरक्षित है। जब इस संबंध में उपजिलाधिकारी गरौठा से जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि हम शासन के मंशा अनुसार साफ सफाई का कार्य करवा रहे हैं, फिर भी अगर कहीं साफ सफाई में कमी नजर आती है तो हम शीघ्र अति शीघ्र इस संबंध में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गरौठा को अवगत कराकर साफ सफाई कराने के निर्देश देंगे। जगत न्यूज 24 के लिए गरौठा से अनिल कुमार शर्मा की रिपोर्ट। सरकार द्वारा संचारी रोगों की रोकथाम के लिए साफ सफाई के कड़े निर्देश दिए गए हैं। गरौठा में सरकारी दफ्तरों के आसपास एवं अन्य जगह कूड़ा करकट के बड़े बड़े ढेर नजर आ रहे हैं। इस संबंध में कोई कार्रवाई या कोई निर्देश दिए गए हैं? जैसा कि शासन की मंशा है और दिवाली पर्व भी आ रहा है तो लगातार साफ सफाई यहाँ पे नगर पंचायत गरौठा के माध्यम से करवाई जा रही है, परंतु अगर कहीं पे भी कूड़े के ढेर या इस तरीके की कोई भी सूचना हम लोगों को मिलती है तो तत्काल इसको यो नगर पंचायत को जो है बताया जाता है और नगर पंचायत गरौठा के माध्यम से उचित कार्रवाई करवाई जाती है।